नरसिंहपुर जिले में रंगों के महापर्व पर जगह जगह होली दहन कार्यक्रम रखे गए। वहीं करेली की धार्मिक एवं सामाजिक संगठन सद्भावना समिति द्वारा वैदिक होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन बरमान चौराहे पर किया गया, जिसमें बुराई पर अच्छाई के प्रतीक स्वरूप होलिका दहन में खास तौर पर पर्यावरण के दृष्टिगत लकड़ी और अन्य साधनों के परहेज करते हुए गोबर के कंडे और लकड़ी नुमा कंडे से होलिका दहन किया गया। होलिका दहन में हवन सामग्री सहित कपूर, लोभान, गुगल, हल्दी गांठ, नीम की पत्तियां सहित अन्य सामग्री का प्रयोग किया गया। और सबसे अच्छा इसमें जो गौ पालन है, जो गाय पालते हैं और उससे गोबर से बनी जो लकड़ियां हैं और उनको हम लोगों ने होली के लिए जलाने के लिए बुलाया है और इसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है और इसमें गुगल वगैरह, कपूर, घी, अष्टगंध, इन सब चीज़ों का समावेश किया गया है जो कि हमारे वायुमंडल के लिए, वातावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और हम सबको इस प्रकार की होली को लिए बढ़ावा देना चाहिए और सबसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आकर एक अच्छा मैसेज समाज को पहुँचे कि भाई इस प्रकार की होली अपन को मनाना चाहिए। राय पर सद्भावना समिति और नगर के सभी साथियों ने मिलकर प्रतिवर्ष की बात, ये हमारा दूसरा वर्ष है हम वैदिक होली का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से वैदिक तरीके से होली पारंपरिक रूप से मनानी है, उसका आयोजन है। इसमें जो होलिका का दहन है वह प्राकृतिक रूप से बनी गोबर के कंडों और लकड़ियों का उपयोग किया है। इसमें कपूर और गाय के घी का हवन में विसर्जन किया जाता है जो कि वातावरण को भी शुद्ध रखता है, तो ये पर्यावरण के हित के लिए बहुत अच्छी पहल है। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमारे पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और लकड़ियों का दोहन भी कम होगा। और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।